हाउस द जोस बताओ भाई, हाउस द जोस कैसे है जोस आपका? जोस दिखा दो यारो थोड़ा, जिंदा है कि नहीं? हाउस द जोस मेरे दोस्त, हाउस द जोस कैसा है जोस? एक हाई जोश होना चाहिए यार आप लोगों में, अगर हाई जोश नहीं है तो फिर तो कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे काम होगा? मैं चाहता हूं मेरे सारे दोस्त, प्यारे दोस्त, आप लोग तो एक जोश से लबरेज होने चाहिए, भरा पूरा होना चाहिए जोश से एकदम, कि हाँ भाई बस कुछ भी कहो, काम करने के लिए एकदम तैयार, रेडी एकदम, कि हाँ सर आने दो, आप बस बताओ फुल लोन है इस तरीके से। देखिए एनआईए जो काम करता है ना, मुख्य रूप से ये एक आतंकवाद निरोधी कानून है, एक ठीक है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, 2008 में इसका एक्ट बना था, ठीक है। 2009 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो इसको हम, मैं एनआईए ही बोलूंगा, और ये बेसिकली देश की जो है केंद्रीय आतंकरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। आतंकवाद से संबंधित कोई भी मामला आएगा वो ये करेगा। पहले ये सारे के सारे मामले जो है ना वो होते थे सीबीआई के पास, अब सीबीआई के पास वर्कलोड इतना हो गया कि वो आतंकवादी मामलों में ढंग से काम नहीं कर पाई, और भारत में बहुत सारे हमले हो गए, संसद पर हमला हो गया, ठीक है, आपने देखा कि मुंबई पर हमला हो गया, इतने सारे अटैक होने लगे, तो समझ में आया कि यार ना ऐसे काम नहीं चलेगा, सीबीआई तो ऐसे बार बार फेलियर होती चली जाएगी। तो ऐसे में कोई एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो कि केवल आतंकवादी मामलों की जांच पड़ताल करे बढ़िया तरीके से, और सीबीआई के पास राज्यों में सुओ मोटो आधार पर जांच प्रारंभ करने की पावर नहीं है, कि मान लीजिए किसी राज्य में कोई घटना हुई और वहां पर तुरंत जाए और जाकर के जांच शुरू कर दे, उसको वहां पर पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत सारे राज्य अनुमति नहीं देते थे। अब किसी जगह पर बम फटा है और वहां पर बम फटने वाली जगह पर तुम्हें जाकर के वहां पर सबूत इकट्ठा करने हैं, तो उस सबूत इकट्ठा करने से पहले तुम इंतजार करोगे कि राज्य सरकार से परमिशन लेते हैं, वो परमिशन देंगे, 1-2 साल का समय लग, 1-2-3 दिन का समय लगेगा, तब तक सारे सबूत उड़ जाएंगे, फिर क्या सबूत इकट्ठा करेंगे, है ना? तो ऐसे में एक ऐसी संस्था की जरूरत थी जो शक्तिशाली हो, सशक्त हो आतंकवाद के मामलों से निपटने के लिए। तो एनआईए बनाई गई और एनआईए को पावर दी गई कि वो सुओ मोटो आधार पर जांच कर सकती है पूरे भारत के अंदर, किसी भी राज्य में, यूनियन टेरिटरी में, वो सुओ मोटो आधार पर मतलब अपनी मर्जी से स्वयं की पहल पर जांच कर सकती है जो भी उसके कार्य क्षेत्र में चीजें डाली गई हैं। पहले केवल आतंकवाद से संबंधित चीजें थी, 2019 में इसके अंदर संशोधन किया गया, तो इसका दायरा बहुत ज्यादा व्यापक कर दिया गया है, ठीक है। अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले भी देखता है, मानव तस्करी के मामले भी देखता है, स्मगलिंग के मामले भी देखता है, ठीक है, संगठित अपराधों के मामले भी देखता है, आर्थिक मनी लॉन्ड्रिंग टाइप के, काला धन टाइप के मामलों में भी ये इन्वॉल्व रहता है। क्यों? क्योंकि आतंकवादियों को जो फंडिंग आती है, जो पैसा आता है, वो इन्हीं रास्तों से आता है, इन्हीं जगहों से आता है। तो केवल आतंकवाद की जांच पड़ताल कर लेना, घटनाओं का जांच पड़ताल करने से आतंकवाद रुकेगा नहीं, आतंकवाद को रोकना है तो जिन चीजों से आतंकवाद को सप्लाई होती है, फंडिंग होती है, उसकी जड़ें मजबूत होती है, उनको भी काटना जरूर है। तो इसलिए 2019 में एनआईए के जो अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया, ठीक है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, संसद के एक्ट से बना हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे संविधिक निकाय। मुख्यालय जो है दिल्ली में है, इसका एनआईए जो है ना, उसका हेड जो, उसको एक महानिदेशक बोलते हैं, जिसकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही बेसिकली ये काम करता है। राज्य सरकारें जो है एनआईए को जांच करने के लिए रोक टोक नहीं कर सकती है, एनआईए को सपोर्ट करना उनके लिए जरूरी है कि भैया हाँ एनआईए के लिए तो वो सपोर्ट करेंगे करेंगे, तो कोई भी किसी भी तरीके की इनको रोक टोक नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। ठीक, सीबीआई के साथ जैसे राज्य सरकारें थोड़ी सी वो रहते हैं ना, 36 कांकड़ा रहता था सीबीआई के साथ, क्योंकि सीबीआई का मिस यूज कर दिया जाता है राज्यों के अगेंस्ट में सरकार, केंद्र के द्वारा, तो उस राज्य जितने भी है ना वो सीबीआई पे ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, उनको लगता है कि सीबीआई आ रही है कहीं हमारी सरकार गिराने के लिए तो नहीं आ रही, कि हमारी पोल पट्टी खोलने के लिए तो नहीं आ रही, तो सीबीआई के मामले में बड़ी फूंक फूंक कर वो कदम रखते थे, तो सीबीआई को बहुत सारे मामलों में परमिशन ही नहीं मिल पाती थी। इसलिए एनआईए का प्रावधान जो है उसमें ये प्रावधान है कि सभी राज्यों को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एनआईए का उद्देश्य बिल्कुल अलग है,
और राज्य सपोर्ट करते भी है एनआईए के मामले में, उस मामले में वो टांग नहीं अड़ाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी सरकार गिराने को लेकर के नहीं आई है एनआईए, ये आतंकवादियों को रोकने के लिए आई है, ठीक है, देश वहां के सिटीजन को, नागरिकों को मदद के लिए आई है। कार्य देख लेते हैं, तो एनआईए कानून में जितने भी अलग अलग काम दिए गए हैं उनके अंतर्गत जो भी अपराध है उन सबकी जांच करना, अभियोजन चलाना, ये सारी की सारी पावर है एनआईए में। तो ये कोई एडवाइजरी बॉडी टाइप की नहीं है, जैसे कि आप देखोगे सीबीसी या क्या नाम है लोकपाल, ये सीबीआई की तरह ही एक सशक्त एजेंसी है जिसके पास जांच करना और अभियोजन करने की पावर है दोनों के दोनों, ठीक है, और सभी तरीके के आतंकवादी से संबंधित मामलों का ये जांच पड़ताल विश्लेषण तथ्यों का संग्रहण ये सब चीजें करती हैं। जितनी भी खुफिया एजेंसीज हैं भारत की, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, उनके साथ अपना इनका जो इनपुट है वो साझा करती है, ठीक है, ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान करके किसी भी घटना को होने से पहले ही रोका जा सके, ठीक है। कोई भी आतंकवादी हमले, बम विस्फोट, विमान जहाजों को वो कर लेना, किडनैप कर लेना, ठीक है, परमाणु संयंत्रों पर हमला, नरसंहार, इस तरीके की सभी मामलों की जांच जो है ये करता है। 2019 में इसके अधिकार क्षेत्र को बहुत विस्तारित कर दिया, जो मैंने आपको बताया। अभी तक क्या हो रहा था कि एनआईए भारत के अंदर तो जांच कर ले रहा था, ठीक है, लेकिन ये समझ में आ रहा था कि यार कि एनआईए की जांच जो है ना, ज्यादातर यार आतंकवादी घटना हो जाने के बाद ही इसकी भूमिका दिखाई दे रही है। अब जब आतंकवादी घटना हो ही गई तो फिर क्या फायदा, उसके बाद तुम बस लगे हुए हो कि आतंकवादी घटना किसने करी, कहां से करी, कौन कौन दोषी थे, पकड़ करके लाओ, कैसे करो। मुद्दा तो वो है कि आप आतंकवादी घटना को होने से रोक दो, पहले ही खत्म कर दो। तो इसलिए एनआईए को थोड़ा सा और पावरफुल बनाने की जरूरत थी। और एक और बड़ी समस्या ये थी कि बहुत सारे आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप ऐसे थे जो घटना तो भारत में करवाते लेकिन छुपे होते थे विदेशों में, या भारत में आतंकवादी घटना करके भाग करके विदेश में चले जाते थे। अब भारत में तो कहीं पर भी जाकर के एनआईए जांच कर सकती है, लेकिन विदेश में कैसे करे, उनको कैसे पकड़े, उन विदेशी देशों के साथ बातचीत करने में, उनको मनाने में ही बड़ा टाइम लग जाए। और बहुत सारे देश तो मना कर दे कि ना, हमारे देश में तो कोई आतंकवादी है ही नहीं, जिसको तुम आतंकवादी बोल रहे हो वो तो हमारे देश के अंदर पूजा जाता है, लोग उसके बड़े बड़े वो बनवाते हैं, मूर्तियां बनवाते हैं उसकी, है ना, इमारतें बनवाते हैं। जैसे पाकिस्तान में आप जाओगे तो जो हमारे संसद पर हमले के आरोपी है, और भी अजहर मसूद को, आप नाम अगर आपने जाना होगा ना, ठीक है, तो अजहर मसूद को वहां पर लोग उसको स्टैचू बना रखा है, सिक्योरिटी दे रखी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी तक देती थी, खूब फंडिंग मिलती थी, वहां पर उसको नेशनल हीरो बनाया हुआ है, और देखो भारत में कितना बड़ा हमला कर रखा आतंकवादी। तो ऐसे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी उन आतंकवादी मामलों की प्रॉपर तरीके से जांच करने और उनको पकड़ने में। तो 2019 का जो अधिनियम आया, इसके में क्या कर दिया गया कि अब एनआईए जो है ना, एक तो उसका कार्य क्षेत्र बढ़ाया गया, मानव तस्करी, नकली मुद्रा, बैंक से संबंधित कोई मामला, हथियारों के निर्माण से संबंधित कोई मामला, साइबर क्राइम, साइबर आतंकवाद, विस्फोटक सामग्री, सब तरीके की चीजें इसको दे दी गई कि हाँ भैया जांच करो, पड़ताल करो, क्योंकि आतंकवाद जो है ना अपने आप नहीं फलता फूलता है, आतंकवादियों को पैसा मिलता है तब जा करके वो काम कर पाते, हथियार मिलता है तब जा करके वो काम कर पाते, हवा में ही आतंकवाद नहीं फैला सकते, तो इसके लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहां से आता है, वो पैसा इन्हीं गलत इलीगल गतिविधियों से आता है, तो इन इलीगल गतिविधियों के ऊपर नजर रखना भी जरूरी है, ताकि ये पता लगा सके कि कौन सी गतिविधि कहां से टेररिज्म को फंडिंग हो रही है और उनकी जड़ों को काट करके खत्म कर दिया जाए। इसके साथ साथ बहुत सारे देशों के साथ हमने ऑलरेडी ट्रीटी कर ली, कई सारे ऐसे देश थे जिनके साथ हमने संबंध, दो मित्रता कर ली, मित्रता तो थी हमारी, उनसे हमने एक म्यूचुअल कंसेंट ले लिया एडवांस में कि भाई हमारी एनआईए है एक एजेंसी आतंकवाद के मामलों में, अगर कभी भी कोई भी आतंकवाद से जुड़ा कोई मामला है और तुम्हारे पास उसको जांच करनी हो तो इसको जांच करने देना, इसको परमिशन मांगने की जरूरत ना पड़े। तो कई सारे देशों ने इसकी अनुमति दी है भारत को, 20 के करीब आसपास देश, ज्यादा भी हो गए होंगे, समय के साथ साथ इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। तो उन्होंने भारत के लिए पहले परमिशन दे दी कि अगर हाँ भाई अगर आतंकवादी भारत में कोई घटना है, उसके तार हमारे देश से जुड़े हैं, या कोई हमारे देश में आकर के छुप गया है, या यहां से कोई संगठन को संचालित कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी मामला होगा तो एनआईए डायरेक्ट आएगी, हमारी सरकार उसको सपोर्ट करेगी, फुल इन्वेस्टिगेशन करे, ठीक है, ये चीज। तो ये देखो ये चीज होगी, मैंने जो बताया 2019 के अधिनियम से ये बदलाव किया गया कि अपराध के अन्वेषण में न केवल भारत के अंदर
बल्कि भारत के बाहर भी एनआईए के अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के बराबर ही अधिकार प्राप्त होंगे, तो उनको पावर बढ़ा दी, अधिकार बढ़ा देगी। ठीक है, अब केंद्र सरकार को यह अधिकार होगा कि भारत से बाहर किए गए भी किसी अपराध के मामले में वो अन्वेषण के लिए एनआईए को मामला दर्ज करने के लिए कह सकती है। जैसे कि देश के अंदर वो है ना, देश के अंदर कोई मामला होता है तो उस पर मामला दर्ज किया जाता है ना, अपराध होता है, तो ऐसे देश के बाहर के अपराध पर भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या देखा कि एनआईए का दायरा बड़ा विस्तृत हो गया, ज्यूरिसडिक्शन बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, यहां से मेंस में सवाल आ चुका है और इससे सवाल और भी आएगा कि भारत में यहां से पॉलिटी में भी सवाल आ सकता है और इंटरनल सिक्योरिटी में भी सवाल आ सकता है। यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में आतंकवाद से निपटने में एनआईए संशोधन अधिनियम 2019 किस तरीके से एक मजबूती की ओर बढ़ते हुए कदम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, या यूं दे दिया जाएगा कि भारत एनआईए संशोधन अधिनियम का विश्लेषण कीजिए कि किस प्रकार यह पुराने कार्य प्रणाली से भिन्न है। ठीक है, तो बेसिकली बता देना कि इसमें अब जोर है घटना होने से पहले ही रोक दी जाए, होने से पहले के कारकों को ही पकड़ करके खत्म कर दिया जाए, आतंकवाद की जड़ को ही काट दिया जाए, और इसका दायरा बढ़ गया बाहर देशों के साथ, वहां पर जांच की अनुमति मिल गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत बड़े विस्तार ये आ गए। तो आज के टाइम में एनआईए बड़ी पावरफुल एजेंसी हो गई है, बहुत ज्यादा पावर है। ठीक है, जबकि सीबीआई के मामले में देखोगे, सीबीआई को आज भी राज्यों में जांच करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है राज्य से। ठीक है, सेंटर के अकॉर्डिंग काम करते, सेंटर की एजेंसी है, उसकी एक तरीके से सेंटर उसका कई बार मिसयूज भी करता है, कोई भी केंद्र में होता है तो मिसयूज करता है। लेकिन एनआईए एक ऐसी एजेंसी है जिसका काम जो है देश की रक्षा से संबंधित है, नागरिकों की रक्षा से संबंधित है, तो इसको सभी राज्य भी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं।